Hello friends, how are you? I am fine. And in this video, I am tell to you how can create world in Pocket Edition, Minecraft Pocket Edition. So friends, इस वीडियो को लाइक कर देना और चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्ले पर क्लिक किया और अब यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और फिर क्रिएट न्यू वर्ल्ड क्लिक किया और यहाँ देखिए मेरा वर्ल्ड का नाम लिख रहा है. तो मैं लिख देती हूँ वर्ल्ड का नाम लाइक और इस वीडियो को कर देना लाइक. सो मैं इसको सर्वाइवल में ही रखूँगी और यहाँ मैं पॉकेट पीसफुल में कर देती हूँ. पीसफुल का फ़ायदा ये होता है कि उसमें मॉब्स नहीं स्पॉन होते हैं और नॉर्मल में तो होते हैं, इजी में होते हैं पर कम होते हैं, कम डैमेज देते हैं और हार्ड में मतलब कि वो दरवाज़ा भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि बहुत तेज़ डैमेज भी देते हैं. तो मैं पीसफुल पे रखने वाली हूँ और ये दोनों बटन है, ये है स्टार्टिंग मैप. स्टार्ट होते ही गेम आपको ये एक मैप दे देगा और ये बोनस चेस्ट का, एक स्टार्ट होते ही एक बोनस चेस्ट मिल जाएगी. तो इसका यही काम होता है. आगे यहाँ होता है कुछ, ये इसका यूज़ मेरे को नहीं पता, कमेंट में बताना. और यहाँ इन्फिनिटी फ्लैट और यहाँ ओल्ड का है सिंबल. सो पहले फ्लैट होता है जैसे एकदम क्लीन सा वर्ल्ड और इन्फिनिटी जो पूरा कभी ख़त्म ही ना हो और ओल्ड जिसके बाउंड्री हो, जिसके अंदर ही हम खेल सकते हो. और यहाँ आप सीड एंटर कर सकते हैं. यहाँ से बहुत सारे ये हैं, यहाँ शो कोऑर्डिनेट्स, इन सब का आप देखिए. यहाँ है यूज़ एस्प्रेशन गेम प्ले, इसका मतलब होता है कि आप ये कोई सामान खोने नहीं देगा अगर मर जाओगे. और ये होता है ऑलवेज चीट, मतलब कि आप सर्वाइवल में जितने भी मतलब कि कमांड करते हो तो नहीं होएगा, बट अगर ये ऑन कर दोगे तो आपका कमांड होएगा. ये मतलब कि क्रिएटिव से लिंक है. सो वर्ल्ड क्रिएट करते हैं. सो टाइम लग रहा है तो मैं इसको पॉज करती हूँ वीडियो को. सो अभी मैं क्रिएट कर लेती, हो गया मेरा क्रिएट वर्ल्ड और ये देखिए हमें मैप में मिल चुका है. तो फ्रेंड्स के मैप इसलिए मिला है क्योंकि हमने स्टार्टिंग मैप पे ऑप्शन पे क्लिक किया था. तो ये देखिए मिल चुका है और बोनस टेस्ट का भी ये देखिए मिल चुका है, बोनस टेस्ट भी. तो बोनस टेस्ट और क्रिएट मैप का, स्टार्टिंग मैप का यही था यूज़. ये देखिए मैंने क्रिएट कर लिया और इधर कितने सारे चीज़ हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि जब भी क्रिएटिव आप करते हैं ये ऑप्शन आ जाता है. इसका मतलब होता है कि आप जब भी क्रिएटिव में जाओगे तो ये हॉन बता देगा. फर्स्ट टाइम देखो मैं क्रिएटिव में चली गई. सो अभी मैं क्रिएटिव में हूँ, ऑप्शन को कंटिन्यू मैंने कर दिया था और अब मैं सर्वाइवल में जा रही हूँ. और देखना अब मैं फिर से क्रिएटिव में जा रही हूँ और ये देखिए वो वाला ऑप्शन दोबारा नहीं आया. देखिए क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आप क्रिएटिव में गए थे. तो इसका यही फ़ायदा होता है उस सवाल का, इससे पता चल जाता है कि आप क्रिएटिव में नहीं गए थे. और ये कौन सी बायो में, टाइगा बायो में शायद, यस टाइगा है. तो फ्रेंड्स अभी मैं सेटिंग पे बता देती हूँ. सो ये है हमारे वर्ल्ड का सीड, यहाँ से आप सीड सब पता लगा सकते हो और यहाँ से आप कंट्रोल सब पता लगा सकते हो और यहाँ से आप स्टीव का नेम भी चेंज कर सकते हो. सो अब मैं क्विक एंड सेफ कर देती हूँ, सेफ एंड क्विक. सो अभी मेरा वर्ल्ड हो रहा है सेफ एंड क्विक. और कुछ ऑप्शन होते हैं जो उधर के सेटिंग में नहीं होता है, जो मैं अभी खोली थी गेम खेलते ही वक्त. सो कुछ सेटिंग इधर ऑन होते हैं. तो ये सब देख रहे हैं, ये सब अब क्यों नहीं हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि
ये सिर्फ वर्ल्ड क्रिएट होते वक्त ही होता है। और इसके एकदम नीचे आपको रिलेट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये देखिए स्टार्टिंग मैप और बोनस चेस्ट, ये बस स्टार्टिंग ही वक्त होता है और यहाँ से आप रिसोर्स पैक लगा सकते हैं। ऐसे ये मेरे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ वीडियोज़ में अपनी। सो इधर से आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, बहुत थिंग्स कर सकते हैं, बहुत सारे थिंग्स। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि और हम वीडियो कैसे ला सकते हैं लाएं। और फ्रेंड्स, पीछे से आवाज़ आ रही है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि पीछे टीवी चलता रहता है और इतने मतलब कि बहुत आवाज़ होती रहती है तो मेरे को बहुत टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर आप सबके जाने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे अभी पेपर चल रहे हैं तो अभी मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पाऊँगी। उसके बाद शायद पेपर ख़त्म हो जाए तो मैं सर्वाइवल सीरीज़ बनाऊँ माइनक्राफ्ट के। तो फ्रेंड्स, मेरा एक और चैलेंज है नैन्सी गेमर, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। उस पर मैं सर्वाइवल में मोड्स ट्राई करूँगी और आप सबको दिखाऊँगी। तो जल्दी से तो हमारे मौजम चैनल और नैन्सी गेमर को दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।